बिहार में आज जिस प्रकार से चारा चोरों का और लोकतंत्र के हत्यारों का सत्ता में बने रहने के लिए जो अप्राकृतिक गठबंधन हुआ है, इसके खिलाफ दिनकर के वंशज कमर कसकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ बिहार को बचाने के लिए लड़ेंगे। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह का युवा चेतना ने किया आयोजन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित दिनकर जयंती समारोह में देश भर से हजारों लोगों का हुआ जुटान। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया दिनकर जयंती समारोह का उद्घाटन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि दिनकर के सपनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। सिंह ने कहा कि हमने ही लड़कर चारा चोर को सत्ता से बाहर किया था। साथ ही सिंह ने दिनकर को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु मोदी सरकार से आग्रह किया। आज नई दिल्ली में दिनकर जी की 115वीं जयंती के अवसर पर दिनकर जी के समर्थकों का महाजुटान हुआ। आज हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि दिनकर जी के विचारों को देश के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। साथ ही बिहार में आज जिस प्रकार से चारा चोरों का और लोकतंत्र के हत्यारों का सत्ता में बने रहने के लिए जो अप्राकृतिक गठबंधन हुआ है, इसके खिलाफ दिनकर के वंशज कमर कसकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ बिहार को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से बिहार के अतीत को, बिहार के वर्तमान को और बिहार के भविष्य को सुंदर करने के लिए संघर्ष करेंगे और हमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। हमें पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा और निश्चित रूप से मोदी जी दिनकर जी को भारत रत्न का सम्मान भी